अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। आज का मौजू इंच स्टेप के बारे में, जो हम आम रूटीन में फैक्ट्री लाइन में इस्तेमाल करते हैं। मैं आज आपको इस बारे में ये बताने वाला हूं कि इसके अंदर कितने इंचेस और कितने सेंटीमीटर और कितने पॉइंट्स मौजूद, यानी कि सूत्र मौजूद होते हैं, मीटर बड़ा होता है या गज बड़ा होता है, और वो कितने इंचेस पे मुश्तमिल होता है, कितने सेंटीमीटर पे मुश्तमिल होता है और कितने एमएम पे मुश्तमिल होता है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, जितनी भी जो अपैरल इंडस्ट्री है, जहाँ पर डेनिम की पैंट, शर्ट्स, जैकेट्स या कोई भी बुटीक स्टाइल, अगर लेडीज़ का काम भी हो रहा है, तो वहाँ पर भी अगर कोई चीज़ स्टिच हो रही होगी, बन रही होगी, तो जब उसकी मेजर की जाती है, यानी पैमाइश की जाती है उसकी वेस्ट की और उसकी हिप, थाई, नी, बॉटम वगैरह, कॉलर, बाजू या उसका फ्रंट लेंथ, बैक लेंथ, योक वगैरह, तो जब भी कोई चीज़ मेजर की जाती है तो उसके लिए हम एक आला इस्तेमाल करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप इंच स्टेप कहते हैं। ये एक स्टैंडर्ड इंच स्टेप है, वो किसी भी सेक्टर में आपको एक ही तरह की मिलेगी। एक ही तरह से कहने की मुराद मेरी ये है कि ये जो इंच स्टेप है, इसके कलर बदल सकते हैं, इसकी क्वालिटी बदल सकती है, लेकिन इसमें मौजूद इंचेस, पॉइंट्स, सेंटीमीटर्स, एमएम नहीं बदलते, क्योंकि ये स्टैंडर्ड मखसूस कर दी गई है इंडस्ट्री के लिए, या इसको आप शॉर्ट इंच स्टेप के हवाले से भी जान सकते हैं। एक इंच स्टेप के अंदर कुल 60 इंचेस मौजूद होते हैं। हर इंच के अंदर 8 पॉइंट, यानी के 8 सूत्र मौजूद होते हैं, और हर इंच के अंदर सेंटीमीटर 2.54 मौजूद होते हैं। इसी तरह से पूरी इंच स्टेप के अंदर अगर 60 इंचेस मौजूद हैं, तो 8 पॉइंट पर इंच के हिसाब से टोटल 60 इंचों के अंदर 480 पॉइंट मौजूद होते हैं। अगर हम इसको फुटों के हिसाब से चेक करें, तो ये इंच स्टेप 5 फुट पर मुश्तमिल होता है, और अगर पूरी इंच स्टेप के अंदर हम सेंटीमीटर्स की बात करें, तो वो 150 सेंटीमीटर होता है, यानी अगर एमएम में जाएं, मिलीमीटर में जाएं, तो वो 1500 एमएम, यानी 1500 मिलीमीटर बनते हैं। इसके बाद सबसे पहले आता है फुट, जिसके अंदर 12 इंच मौजूद होते हैं, और उसके बाद आ जाता है यार्ड, जिसको हम गज कहते हैं, उसके अंदर 36 इंच मौजूद होते हैं, और लास्ट पर जो बड़ी वैल्यू है, जिसको हम मीटर कहते हैं, उसके अंदर 39.3 इंचेस मौजूद होते हैं। जो एक फुट है जिसके अंदर 12 इंचेस मौजूद होते हैं, उसमें सेंटीमीटर की तादाद 30.5 होती है, यानी 30.5 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं मिलीमीटर में, एमएम में, तो ये बनती है 304 मिलीमीटर। इसके बाद हम आ जाते हैं यार्ड पर। यार्ड में मैंने जैसे आपको बताया कि 36 इंच होते हैं, तो वो 3 फुट पे मुश्तमिल होता है, और उसके अंदर सेंटीमीटर 91.5 मौजूद होते हैं, और अगर इसको हम मिलीमीटर में देखें, तो वो 915 मिलीमीटर होते हैं। इसके बाद जो हमने डिस्कस किया था मीटर के बारे में, तो मीटर जो है 39.5, यानी 39.3 इंचेस पर मुश्तमिल होता है, उसके अंदर 100 सेंटीमीटर मौजूद होते हैं। अगर हम इसको मिलीमीटर एमएम में कन्वर्ट करें, तो वो 1000 मिलीमीटर एमएम बनते हैं। तो आज की आपको ये शॉर्ट वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ कि आप में से जितने भी लोग अपैरल इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनको ज़्यादातर पता होगा इस चीज़ के बारे में जो मैं आपसे बात कर चुका हूँ, लेकिन जो जूनियर्स हैं और जिन लोगों को यहाँ तक चीज़ों का आइडिया नहीं था, तो मैंने सोचा कि ये उनके लिए एक वीडियो लाना बहुत अहम होगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर इसको सीख लिया जाए तो काम में सीखने के जो हैं वो मौके मिलते हैं, और तरह तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। इसके बाद मैं मज़ीद इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा कि एक इंच के अंदर जो पॉइंट्स मौजूद होते हैं 8, उनको कैसे बाय रिटन लिखा जाता है और उसको कैसे समझा जाता है। इसके साथ साथ मैं डिस्कस करूँगा हाफ पॉइंट के बारे में, जिसको हम 116 के नाम से जानते हैं, उसको हम कैसे रिटर्न में लेके आएंगे और कैसे समझेंगे कि एक इंच के साथ हम जब पॉइंट्स में जाएं, तो पॉइंट को हम एक पॉइंट, डेढ़ पॉइंट, दो पॉइंट या ढाई पॉइंट कैसे समझ सकते हैं। तो मेरी अगली आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें।
मैं मिलूंगा अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत, मैं हूं फैजान, अस्सलाम वालेकुम।